तो अभी स्क्रीन पे जो फोटोज़ आप लोगों ने देखी, जितने भी पैनोरामास देखे, वो मैंने ड्रोन से लिए थे। जो मेरे पास ड्रोन है DJI Mavic Air, और सीन ऐसा है कि आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ बिहाइंड द सीन्स एरियल फोटोग्राफी कैसे होती है। आज वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा है। एक्चुअली सीन ऐसा था, कुछ समय पहले आंधी तूफान बहुत तेज़ी से चल रहा था, बट अभी थोड़ी देर बाद मौसम थोड़ा क्लियर हुआ है, तो मैंने सोचा आज कुछ अलग किया जाए इस वीडियो में। और ये सीन है कि अभी हम थोड़ा जंगल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमें नज़ारा अच्छा मिल सके, शॉट भी अच्छा मिल सके, और दिल को सुकून भी मिल सके सनसेट देखते देखते। ऐसा वाला सीन है। तो या दिस द थिंग, एंड अगेन हो भाई है हमारे साथ और अंशु आया हमारे साथ। भाई क्या लाइट आ रही है, मज़ा आ गया। या दिस इज़ द थिंग, और जो भी है शॉट मिल जाए देखते हैं, उम्मीद तो है शॉट अच्छा मिल जाएगा। अच्छी, अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि ये जो ज़मीन है वो आपको थोड़ी ब्लैक ब्लैक दिखाई देगी, इधर वाला पोर्शन आप नोटिस करें तो। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो फॉरेस्ट फायर है, जंगलों में जब आग लगती है, वो इसका रीज़न है। आपको जो ये काली काली ज़मीन दिख रही है जली हुई, तो इस बारे में मैंने एक्चुअली जो फॉरेस्ट वाले हैं उनसे पता किया कि ये फॉरेस्ट फायर का अगर चक्कर है क्या। तो मैं आपको इसके बारे में भी बिहाइंड द सीन्स बताता हूँ कुछ चीज़ें। ऐसा होता है कि अगर आप देखते हैं कहीं जंगल में आग लगी है, तो इसमें दो टाइप की फायर होती है, एक होती है कंट्रोल्ड फायर, एक होती है अनकंट्रोल्ड फायर। तो जो कंट्रोल्ड फायर होती है उसमें आप नोटिस करेंगे कि जब फायर होती है जंगलों में, तो उस टाइम पे फॉरेस्ट की जो टीम है वो वहाँ पे मौजूद रहती है उस फायर को पूरा कंट्रोल करने के लिए। और जब आप देखते हैं कि कहीं जंगलों में बहुत बार आग लग जाती है और वहाँ कोई भी नहीं होता, मतलब वो बढ़ती जा रही है इधर उधर फैली है गलत तरीके से, तो वो जो फायर है वो होती है अनकंट्रोल्ड फायर। ऐसा होता है कि जो बहुत से लोग होते हैं वो इस तरह की आग लगा देते हैं जंगलों में, खेल खेल में कहा जाए तो। आई मीन दैट्स कम्प्लीटली अ बैड थिंग, और या दिस इज़ द थिंग। तो अगर आप लोग फॉरेस्ट में इस तरीके से देखते हैं कि जंगल में आग लगी है, तो ज़रूर जो आपकी नियर बाई फॉरेस्ट टीम है उनको इन्फॉर्म करें, यह हम सभी का कर्तव्य बनता है। एंड या दिस इज़ द थिंग, एंड ऑल्सो जस्ट लुक एट द सन, द ट्रीज, द लेक, एंड अंशु एंड होप। ओपू कहाँ कहाँ कहाँ, चलो 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 चलो। बीइंग अ फोटोग्राफर, जब आप ऐसी लाइट देखते हैं ना जंगलों में, ये जो गोल्डन आवर होता है, जब इस टाइम पे जो पत्ते होते हैं वो चमक रहे होते हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। जो कहते हैं ना स्वार्थ वाली फीलिंग आती है इस टाइम पे ऐसे फोटोग्राफर की, जितने अच्छे शॉट निकल पाए उतने ज़्यादा शॉट ले लो, तो वही स्वार्थ है। इसीलिए हाँ, अभी बस ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और शॉट मिल जाए उम्मीद है। मैन इट्स नाइस, इट्स वंडरफुल। वन मोर थिंग, आपने अगर मेरे चैनल को बहुत स्टार्टिंग से देखा है तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जो आप लोगों ने मेरा जो सबसे पहला इंट्रो था चैनल का, वो मैंने इसी लोकेशन पर शूट किया था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है वो वाला पेड़, ये है चीड़ का पेड़, यहाँ पर मैं खड़ा था, ऐसे करके ड्रोन निकलता है, ये वही वाली लोकेशन है। एंड इट्स स्टिल वंडरफुल, बट जो आग लगी है ना वो बढ़िया झेल थी, वरना अभी जो ये पोर्शन है ये वाला, ये भी हरा भरा होता, यहाँ पे घास दिखती आपको, हरी भरी झाड़ियाँ दिखती, बट अभी जो ज़मीन है उसमें पिरूल के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट जो यहाँ से नज़ारा है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। सन उस पहाड़ के पीछे एक और पहाड़ दिख रहा है दूर, वहाँ सेट होगा, हालांकि हमें यहाँ से दिख रहा है वो पोर्शन, बट स्टिल हम थोड़ा सा आगे जाएंगे इधर की ओर, और वहाँ से लेट्स सी अगर एरियल शॉट आ जाए तो देखते हैं। चलें होप, चलो चल लें, आ जाओ होप, कहाँ कहाँ, चलो आ जाओ।
और इस टाइम पे जंगल में एक चीज़ होती है पहाड़ में, जिसे कहते हैं केरुआ। अगर आप ध्यान से देखें, जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये पौधा, ये होता है केरुआ। इसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है। अभी इसके जब पत्ते मुलायम होते हैं इस तरीके में, बहुत ही सॉफ्ट, तब इसकी वो बनाई जाती है सब्ज़ी। एक टाइम आता है जब ये कठोर हो जाता है, तब इसकी सब्ज़ी नहीं बन पाती है। एंड ऑल्सो जो पहाड़ है उनमें आप नोटिस करेंगे कि जंगलों में इधर उधर बहुत से, आप ये मंदिर देखेंगे, इस टाइप के जो मंदिर होते हैं ना, मेरे को पर्सनली बहुत सॉलिड लगता है। एंड तो ये वाला पेड़ है, इसकी पत्तियाँ, अभी स्प्रिंग है, बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग में, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। बट जो अभी ये फॉरेस्ट फायर था पूरा, जो आग लगी थी, इसमें इसकी पत्तियाँ झुलस गई हैं। आई डोंट नो ये रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स रियली बैड थिंग। जंगल के जानवर हैं, चिड़ियाँ हैं, बहुत सारे जानवर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉर्क्यूपाइन हो गया, रैबिट, खरगोश, जो भी हो गए, और जो बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं पा रही हैं, आपके सांभर हो गए, काकड़, यू नो, बार्किंग डियर, डियर, ये जो चीज़ें हैं, इन सभी को इससे नुकसान होता है जब भी फॉरेस्ट फायर होती है। इट्स रियली बैड। पता नहीं क्यों मैं बार बार ये सेंटेंस बोलने में लगा फॉरेस्ट फायर के बारे में, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे अभी ये चीज़ देख रहा हूँ, ये झुलसे हुए पौधे जो हैं, बुरा जैसा लग रहा है। ये है ज़मीन, अगर आप नोटिस करें तो ये जो मिट्टी है यहाँ पे, ये पूरी की पूरी ये काली हो रखी है, देख रहे हो। और पेड़ नीचे से लेकर थोड़ा क्या बहुत ऊपर तक काला हो रखा है, पूरा जल रखा है। एक नहीं, ये बहुत सारे पेड़ हैं। अगर आप नोटिस करें, ये जो आप कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं ना, ये वाले सीन में अभी, ये पेड़ों में ऐसे ऐसे ऐसे, और ऊपर की तरफ चले जाएँ तो ब्राइट हो जाते हैं, वहाँ से पूरा नीचे तक जला है ये पेड़। नज़ारा शिट। तो अभी सीन ऐसा है कि सनसेट होने में टाइम है, सनसेट अराउंड होता है आजकल 6:38, 6:39 पे। तो अभी हम क्या करेंगे, बस जो ये नज़ारा है उसको देखते रहेंगे, और एक छोटा सा टाइम लैप्स, पता नहीं कितने सेकंड्स का आ पाता है, वो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड कर पाते हैं तो। और बस फ़िलहाल तो यही करना है। और एक चीज़ और, जहाँ पर हम अभी हैं वहाँ से भी 7 ताल का नज़ारा दिखता है, वो सामने की तरफ, पीछे वाला जो ताल है, बड़ा वाला पोर्शन, और इधर की तरफ से पेड़ों के गैप से ही वाला पोर्शन। सामने है सूर्य गांव, जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लोर करा था, प्रीवियस। एंड या अभी एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं। ऐसा है, आप लोगों ने अभी टाइम लैप्स देखा, हालांकि वो थोड़ा कम ही मिल पाया हमें टाइम लैप्स, क्योंकि हमें सीन भी लेना था। पहाड़ों में क्या होता है कि आपको पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो जहाँ से सूरज पीछे चले गया, सनसेट हो जाता है पहाड़ वालों के लिए। एंड अभी क्या सीन है, ड्रोन हमारा रेडी है और उड़ाते हैं ड्रोन। और ऐसा होता है कई बार, एक चीज़ मैं आपको ड्रोन की वो बताता हूँ, जो कि है प्लस पॉइंट। सीन क्या है कि अभी अगर आप लोग गोप्रो से आप देखें तो आपको सनसेट ऐसा लगेगा कि हो चुका है, बट जैसे ही ड्रोन ऊपर जाएगा, अभी आप देखेंगे ड्रोन के लिए सनसेट एक तरह से नहीं हुआ होगा, हम एक नया पर्सपेक्टिव इससे ढूंढ पाते हैं, सही बताऊं तो ड्रोन से। तो अभी एक काम करते हैं, ड्रोन को उड़ाते हैं, और या दिस इज द थिंग। चलो बेटा ड्रोन, तुम थोड़ा अंचू हटना, हवा भी चल रही है। तो अभी धीरे धीरे जैसे ही ड्रोन ऊपर जाता है, आप लोगों को कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। धीरे धीरे ड्रोन ऊपर जा रहा है, आप नोटिस करेंगे अभी धीरे धीरे। हमारे हिसाब से सनसेट हो गया था, बट ड्रोन को अभी भी सन दिखाई दे रहा है, अगर सही बताऊं तो। वहाँ पे थोड़ा आई गेस एक्सपोजर जो है ज़्यादा हो रहा है, तो अभी मैं आपको सीन दिखाता हूँ। अगर मैं एक्सपोजर का थोड़ा सा शटर स्पीड इसकी डाउन करूं, तो आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको सन दिखाई देने लगेगा धीरे धीरे। आप अगर नोटिस करें, ये वाला पोर्शन है जो, ये सन दिखाई देने लग गया। अभी शॉट लेंगे। तो सीन क्या है कि ड्रोन का पर्सपेक्टिव यहाँ से सीधे से अगर ऊपर जा रहा है, तो ज़्यादा वाइड एंगल कवर नहीं करेगा, तो इसलिए हमें ड्रोन को थोड़ा जूम आउट करते हुए पीछे के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ताकि हम जो व्यू है ये कैप्चर कर पाएँ।
तो अभी सीधे ड्रोन को, ड्रोन ने इनफ हाइट गेन कर ली है, अब आप देखें तो हमें पूरा सन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ड्रोन को थोड़ा पीछे लेते हैं, जूम आउट करते हैं। ड्रोन है अभी स्पोर्ट्स मोड पे एंड लेट्स गो, जा रहा है ड्रोन पीछे की डायरेक्शन में, जा रहा है ड्रोन बहुत ऊपर है। क्या नज़ारा दिख रहा है ओपू, क्या हो रहा है, सही हो रहे हैं, मजे हो रहे हैं ओपू? तो आई गेस ड्रोन ने इनफ हाइट अपनी गेन कर ली है। अभी मैं आपको पर्सपेक्टिव अगर दिखाऊं तो अभी क्या आ रहा है, मैनुअल पे लेंगे हम सारी फ़ोटोज़, रॉ लेंगे ताकि हम उन्हें बाद में स्टिच कर सकें। शटर स्पीड कम करते हैं। ओ एक मिनट, ये शॉट आ रहा है, बर्ड्स भी घूम रही हैं ड्रोन के आसपास, शॉट ले लेता हूँ। ओके इनफ, ठीक है ओके। तो अगर आप नोटिस करें आपको इस तरीके से दिखाई देगा जो भी हम फोटोज़ लेने वाले हैं। आई डोंट नो आप देख पा रहे नहीं, तो मैं साइड में जो इसका स्क्रीन रिकॉर्डर है मोबाइल का, वो भी इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधे पैनोरामा मोड में जाएंगे और उसके बाद 180 में क्लिक करेंगे सिंपल। और सेटिंग हमेशा चेक करनी चाहिए कि जो आपकी रॉ फ़ोटोज़ है उसके लिए ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए, सेव अनस्टिच्ड फ़ोटोज़ जो है टू एसडी कार्ड एंड या दिस इज़ द थिंग। तो अभी लेते हैं हम ये वाला शॉट। ओके नाइस, शॉट चल रहा है, शॉट चल रहा है। अंशु इधर दिखाई दे, तो ड्रोन कुछ इस तरीके से हर डायरेक्शन में घूम के ऐसे, अगर मैंने 180 किया है तो सारी फ़ोटोज़ कैप्चर करेगा अराउंड 21 आई गेस, और इस फेयर में आई गेस ये 25 करता है। तो अभी हम ड्रोन को शॉट लेने देते हैं, तब तक उम्मीद है ये शॉट आ जाए। ओहो, इस शॉट में मे बी हमें भीमताल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप फ़ोटोज़ स्टिच करते हैं तो कुछ पोर्शन छूट जाता है, वो गलत हो जाता है। तो मे बी इस फोटो में हमें सातताल वाला पोर्शन जो है और जो भीमताल का पोर्शन है पीछे का, वो दोनों देखने को मिल जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और थोड़ा सिग्नल ट्रांसमिशन में डिले हो रहा है, यहाँ पे सिग्नल थोड़े कम आ रहे हैं एक्चुअली। ड्रोन अभी बहुत पीछे की ओर जा रखा है हमारा पैनोरामा। अंशु इधर दिखाएंगे, तो हमारा जो पैनोरामा है वो क्रिएट हो चुका है ड्रोन से। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो ड्रोन इमेज बनाता है वो किस तरीके की होती है। तो आप नोटिस करें तो जो ड्रोन की इमेज है वो ऑटोमेटिक इसमें से प्रोसेस होके आती है, और वो थोड़ी अच्छी होती नहीं, क्योंकि उसमें जो ड्रोन होता है उसके प्रोपेलर वगैरह सब आते हैं, वो दिखाई दे जाते हैं। आई डोंट नो ये फ़ोटो लोड क्यों नहीं हो रही है अभी, बट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये फ़ोटो इसमें लोड नहीं हो पा रही है। तो ये जो फ़ोटो थी वो सीधे ड्रोन से निकली थी, और हम जब इसको मैनुअली मर्ज करते हैं तो मैं आपको वो फ़ोटो भी दिखाऊँगा वो कैसी होती है। एंड थोड़ा सिग्नल में फिर डीले हो रहा है, ड्रोन को पास बुलाते हैं अभी। सीन ऐसा है, हमने एक फ़ोटो तो ले ली है, फिर भी हम बैकअप के लिए एक फ़ोटो और लेते हैं जो ये वाला पैनोरामा होगा, आपको मैं दिखाता हूँ। अब ड्रोन ये वाली ले रहा है, अगर स्क्रीन में स्वाइप कर दूँ तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अभी ड्रोन जो है फ़ोटोज़ अलग अलग एंगल से कैप्चर कर रहा है 180 में, और या दिस इज़ द थिंग। तो रिकॉर्ड करते हैं और ड्रोन को उसके बाद लैंड कराते हैं, फिर सीधे चलते हैं। और यहाँ से भीमताल का कैसा व्यू आ रहा है मैं वो भी आपके लिए थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ दिखाने के लिए। ओके, हमारा ड्रोन आ चुका है नीचे, और अभी ड्रोन को लैंड कराते हैं सीधे, ड्रोन को चलते हैं क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरे का खतरा बढ़ जाता है। होप चल रहे हैं, होप तो पकड़ लेगी ये, होप ये ओबो ये चाहिए, ड्रोन चाहिए, हाँ ड्रोन चाहिए आपको, लो 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 लो। चले तो अभी हमने करा दिया ड्रोन को लैंड, और टाइम है चलने का, और आपको मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ वीडियो में। फ़ोटो प्रोसेस करते हैं और देखते हैं जो पैनोरामा आया है स्टिच करके और एडिट करके वो कैसा बनता है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी मैंने रॉ फ़ोटोज़ जो 21 फ़ोटोज़ थी ड्रोन से कैप्चर करी थी, वो सभी मैंने एडोबे लाइटरूम जो सॉफ्टवेयर है इसमें इम्पोर्ट कर ली हैं फ़ोटोज़। तो उसके बाद सीधे आपको क्या करना है, सारी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और उसके बाद राइट क्लिक करके आपको फ़ोटो मर्ज के ऑप्शन में जाके पैनोरामा में क्लिक कर देना है।
तो इससे क्या होगा कि जो Adobe Lightroom ये सॉफ्टवेयर है ये इन सभी फ़ोटोज़ को मर्ज करके अपने आप ही स्टिच कर देगा, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो मैं आपको सीधे वो स्क्रीन दिखाता हूँ जहाँ पे ये फ़ोटोज़ मर्ज हो जाती हैं और एक पैनोरामा क्रिएट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो पैनोरामा है वो स्टिच हो चुका है, मर्ज हो चुका है और इमेज कुछ इस तरीके की बनी है। तो अभी क्या करना है कि हमें मर्ज का जो ऑप्शन है आपको इधर की तरफ राइट हैंड साइड में सबसे नीचे की ओर दिख रहा है उसमें क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, ये फ़ोटो मर्ज होगी और उसके बाद हमें इस फ़ोटो को पोस्ट प्रोसेस करना होगा, क्योंकि जो एजेस हैं यहाँ पे हमें इसे क्रॉप भी करना होगा, उसके बाद वाइब्रेंस वगैरह जितने भी चीज़ें हैं जो हमें स्लाइडर्स एडजस्ट करने हैं वो करने पड़ेंगे। तो अभी हम क्लिक करते हैं मर्ज के ऑप्शन पर। अगेन इट विल टेक सम टाइम, तो अभी मैं आपको सीधे उसी स्क्रीन पर मिलता हूँ जहाँ पर फ़ोटो मर्ज हो चुकी है। तो अभी जो हमारा पैनोरामा है वो क्रिएट हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको टिन के उड़ने की आवाज़ आए या तो होप की आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एक्चुअली मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है तो मैं अंदर ही ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पहाड़ों में जो हमारे घर होते हैं उसमें टिन की छत होती है, तो अभी मैं वाले में ही रह रहा हूँ इधर, तो आपको आवाज़ आ सकती है उसके लिए सॉरी। तो अभी क्या है सीन कि हमारा जो पैनोरामा है अगर आप नोटिस करें ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि हमें भीमताल वाला पोर्शन भी देखने को मिल सकता है इसमें, तो आप नोटिस करें ये भीमताल वाला पोर्शन हो गया, और इधर की तरफ हमें सात ताल वाला पोर्शन देखने को पूरा मिल गया। सात ताल ये हो गया हमारा गरुड़ ताल, इधर पे ये चीज़ है गरुड़ ताल, और इधर पे ये हो गया जो पोर्शन इतना सा है पूर्णिया ताल। और अगर आप नोटिस करें तो हमें यहाँ पे नल दमयंती ताल भी देखने को मिल जाता है, ये है नल दमयंती ताल। तो अभी हम सबसे पहले जो काम करना है हमें इसे क्रॉप करते हैं। एक परफेक्ट क्रॉप हमें चाहिए अभी ताकि जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल सही रहे। तो अभी हम ऊपर से इतना राइट से इतना, और अगर आपको हाई रिजोल्यूशन की इमेज चाहिए तो उसी हिसाब से आप क्रॉप कीजिए। हमें मुझे एक्चुअली इस फोटो में भीमताल भी चाहिए था तो मैं यहाँ तक इसे क्रॉप कर रहा हूँ बेटर। तो अभी सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो मैं करने वाला हूँ इधर हाइलाइट्स। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हाइलाइट्स एक्चुअली बिल्कुल कम कभी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली इससे जो फील होता है मैंने नोटिस किया है वो एकदम गायब हो जाता है। हाइलाइट्स वहीं तक कम की जहाँ तक आपको उचित लगता है, और उसके बाद शेडोज़ हम थोड़ा बढ़ाएंगे, वाइट्स भी हम बढ़ाएंगे इसमें। ओके बेटर, वाइट्स एक्चुअली रिड्यूस ही कर दिया है यहाँ पे मैंने। ओके नाउ हम क्या करेंगे, वाइब्रेंस, एक्चुअली मुझे वाइब्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं फ़ोटो को चाहूँगा कि फ़ोटो बहुत वाइब्रेंट हो। सेचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा 15, नाइस। एक्चुअली मैं जब फ़ोटोज़ एडिट करता हूँ तो मैं उसमें ज़्यादा चेंजेस कभी नहीं करता हूँ, तो मैं आपको एक नॉर्मल एडिटिंग दिखा रहा हूँ कि एक जो आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग स्क्रीन में सबसे पहले जो फ़ोटोज़ देखी थी वो एडिट किस तरीके से होती हैं, और बाकी जो ऑप्शन है उनमें क्लिक करो, एनेबल प्रोफाइल करेक्शन एंड क्रोमेटिक एब्रेशन बेटर। तो अभी इसमें रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी क्लैरिटी की, क्लैरिटी वहीं तक बढ़ाएं जहाँ तक आपको ये जो पहाड़ों के पीछे वाइट वाइट पोर्शन है वो दिखाई ना दे। जब ये ज़्यादा ही वाइट हो जाता है तो अगर मैं पूरी क्लैरिटी इंक्रीज़ कर दूँ तो आप देखेंगे जो वाइटनेस है ये जो इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आप नोटिस करें तो पहाड़ों के पीछे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, और इसीलिए क्लैरिटी एक इतनी हद तक बढ़ाएं कि फ़ोटो आपकी सही रहे। तो फ़ोटो हमारी ऑलमोस्ट एडिट हो चुकी है, थोड़ा एक्सपोजर मैं इसका बढ़ाना चाहूँगा ताकि फ़ोटो थोड़ी सी ब्राइट दिखे, एंड शेडोज़ के साथ फिर से थोड़ा सा खिलवाड़ करेंगे, शेडोज़ इतनी दिखे कि जो हमारी चीज़ें हैं वो नज़र आए। हाइलाइट्स अगेन थोड़ा सा और कम करेंगे हम, पूरा नहीं बस थोड़ा सा बेटर, और सैचुरेशन मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा, नाइस। तो अभी मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ कि हमारी इमेज किस तरीके की लग रही है। सो दिस इज़ बिफ़ोर, अगर आप लेफ़्ट वाला पोर्शन देखें ये है बिफ़ोर और ये है आफ्टर, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बस मैं इतना ही इस फ़ोटो को एडिट करूँगा। एक्चुअली इस फ़ोटो का फ़ोटो एडिटिंग है एक्चुअली जो प्रोसेसिंग है, इसका एम ये था कि आप लोगों को दिखाना बताना कि एक एरियल फ़ोटोग्राफी में बिहाइंड द सीन्स कैसे काम होता है, आप जो फ़ोटोज़ देखते हैं वो किस तरीके से तैयार होती हैं, कैसे कोई फ़ोटोग्राफ़र इस तरीके की फ़ोटोज़ खींचता है उसे मर्ज करता है। तो आज का एम यही था,
और मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ जो ये फ़ोटो तैयार हुई है वो किस तरीके की लग रही है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का जो यूज़र नेम है वो स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। वहाँ पर मैं अपनी जितनी भी फ़ोटोज़ होती हैं वो सारी पोस्ट करता हूँ। एंड या दिस इज़ द थिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको किसी तरीके के और ट्यूटोरियल चाहिए ड्रोन से रिलेटेड, अगर आपको ड्रोन का ट्यूटोरियल चाहिए या कुछ और, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे मेंशन कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।